बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माय नेम इज़ दिल महबूब। आज हम इस लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंप्लीमेंट द प्रोग्राम, मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का जो स्टेप नंबर 6 है वो है टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। डिटेल से हमने देखा कि हम प्रोग्राम को टेस्ट कैसे करते हैं और उसको डीबग कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे कि प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। देखें, हमने शुरू किया प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मतलब सॉफ्टवेयर को बनाना। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की, उसके बाद हमने स्पेसिफाई किया रिक्वायरमेंट्स को, फिर हमने एनालिसिस किया, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट ड्रा किया, उसके बाद कोडिंग की, और फिर हमने एरर्स उसमें से निकाले। टेस्ट करने के बाद अगर एरर थे तो उसमें से हमने डिबगिंग की उसको। अभी भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने एरर तो फाइंड कर ली। अगला काम हमने क्या करना है? अगला काम यही है कि एरर को हमने रिमूव कर दिया, अब सॉफ्टवेयर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही काम कर रहा है, एक्यूरेट आंसर दे रहा है। तो अब हमने क्या करना है? उसको ऑपरेशन में पुट कर देना। हमारा ऑपरेशन पुट करने से मुराद है कि जिस कस्टमर ने हमसे सॉफ्टवेयर बनवाया था उसको दे देंगे, और अगर किसी कस्टमर ने नहीं बनाया था, हमने मार्केट में लॉन्च करना है, तो हम उसे लॉन्च कर देंगे, अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे या सीडीज़ में राइट करके मार्केट में सेल आउट करना शुरू कर देंगे। इसे कहते हैं इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंट का मतलब लागू करना कोई चीज़, किस चीज़ पे अमल करना। तो अभी तक जो जिस काम पर हम लोग वर्किंग कर रहे थे, जिस प्रॉब्लम के ऊपर, जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर, हमारी वर्किंग कंप्लीट हो गई, सॉफ्टवेयर हमारा चल रहा है सही, टेस्टिंग कर ली हमने, अब हम आगे मार्केट में लॉन्च कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। इस अमल को इंप्लीमेंटेशन कहते हैं। तो इंप्लीमेंटेशन क्या है? कि हम अपने सॉफ्टवेयर को मार्केट में लॉन्च कर देते हैं और उसको इस्तेमाल में ले आते हैं। इंप्लीमेंट करने के बाद जो अगला हम काम करते हैं वो है मेंटेन एंड अपडेट। अच्छा, हमने मार्केट में सॉफ्टवेयर दे दिया या कस्टमर को हमने दे दिया, हमने ये काम कर लिया, लेकिन अभी भी हम अपने सॉफ्टवेयर की जान नहीं छोड़ते। हम क्या करते हैं कि हम सॉफ्टवेयर को मार्केट में लॉन्च करने के बाद भी उसको अपडेट करते रहते हैं। आपको पता है हमारे मोबाइल फ़ोन्स में अपडेट्स आती रहती हैं एप्लीकेशंस की। क्यों आती हैं अपडेट्स? इस वजह से आती हैं क्योंकि उसके अंदर चेंजिंग, वो इसलिए करते हैं अपडेट, इसलिए उसको करते हैं ताकि यूज़र एक ही चीज़ इस्तेमाल करता करता बोर ना हो जाए और हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना छोड़ ना दे। तो उसके अंदर अपडेट इस वजह से की जाती है। अब जैसे अपडेट होती है, डिफरेंट सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, आप सब यूज़ करते हैं, उनमें अपडेट आती है, थोड़ी सी चेंजिंग्स आती है और हमें लगता है कि वो चीज़ नहीं होगी, हम उसी पे रहते हैं। अगर एक ही चीज़ चलती रहे, वैसे ही इंटरफेस रहे उसका, वैसा ही कलर स्कीम रहे उसकी, तो हम आस्ता आस्ता उससे बोर हो जाएंगे। जिस तरह फ़ोन्स पे हम वॉलपेपर लगाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, स्क्रीन सेवर लगा लेते हैं सिस्टम्स में, लेकिन विद इन वन वीक या विद इन 2 वीक्स हमें वो चीज़ जो है, हम उससे बोर होने लग जाते हैं, हम उसको तब्दील कर लेते हैं। तो इंसानी फितरत है ये। तो सॉफ्टवेयर को अगर वो अपडेट नहीं करेंगे, लोग उसको इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, तो अपडेट आती रहती है, हम लोग उसको समझते हैं कि नया हो रहा है हमारे लिए, वो चेंजिंग्स करते रहते हैं, हमारा टेस्ट चेंज होता रहता है, हम उसको यूज़ करते रहते हैं, इसे अपडेट कहते हैं। और मेंटेनेंस का मतलब होता है कि अगर उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर के अंदर कोई बग्स आ रहा है, कोई सॉफ्टवेयर मसला कर रहा है, लोग किसी चीज़ को पसंद नहीं कर रहे, कोई कंप्लेन आ रही है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम उसको मेंटेन साथ साथ करते रहते हैं। लोगों के रिमार्क्स हम देखते हैं, लोगों के कमेंट्स हम देखते हैं, और हम देखते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में भाई ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आ रही, लोग ये चाहते हैं, तो हम उसके अंदर वक्तन फ़वक्तन चेंजिंग्स करते रहते हैं ताकि लोग जो है हमारे सॉफ्टवेयर को पसंद करते रहें और लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते रहें। मेंटेन एंड अपडेट जो है ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब ये एक ऐसा अमल है जो कि जारी रहता है ताकि हमारा सॉफ्टवेयर मार्केट में बिकता रहे। उसके बाद नंबर 9 पे हमारे पास है डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। यानी हम डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमारा मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कंप्लीट हो गया, लेकिन लास्ट पे एक और स्टेप है। ये स्टेप असल में करते हम लास्ट पे नहीं है, कंप्लीट लास्ट पे होता है। ये जो काम है डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, ये हम करते लास्ट पे नहीं है, कंप्लीट लास्ट पे होता है, ये करते हम साथ साथ ही हैं। पहले स्टेप से लेके 8th स्टेप तक ये काम साथ साथ कर रहे होते हैं, लेकिन 8th स्टेप के बाद ये कंप्लीट होता है, इसलिए इसको लास्ट पे लिखा हुआ। ये काम है क्या? हमने जो कुछ किया सॉफ्टवेयर बनाते हुए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था, उसके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिखी, इररेलेवेंट को फिल्टर आउट किया, स्पेसिफाई किया रिक्वायरमेंट्स को, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी चीज़ें वो नहीं चाहता, उसको पेपर पे लिखा, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट तैयार किया, प्रॉब्लम को एनालाइज किया यानी उसको टुकड़ों में डिवाइड किया, एल्गोरिदम बनाया, फ्लो चार्ट बनाया, कोडिंग की, उसके बाद हमने टेस्टिंग की, टेस्टिंग में कौन से एरर आए और एरर्स को हमने रिमूव कैसे किया, उनको ट्रेस कैसे किया, सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है, उसके बाद हमने इम्प्लीमेंट कर दिया।
और फिर हमने मेंटेनेंस और अपडेशन जो प्रोग्राम में की, प्रोग्राम को एनहांस किया, उसके अंदर जो कुछ हमने बेहतरी लेकर आए वो सारी चीज़ें हम अपने पास लिखते रहे, साथ साथ लिखते रहे अपने रिकॉर्ड के लिए, ताकि कल को अगर इसी तरह का मिलता जुलता सॉफ्टवेयर हमने बनाना हो या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए सॉल्व होने के लिए, तो हमारे पास उसका सलूशन पड़ा हो सारा जो हमने काम पहले किया, उसी को देखते हुए हम दोबारा काम कर लेंगे। तो ये है डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें हमने सारी डिस्क्रिप्शन, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की। ये जो हमने 8 स्टेप किए, ये साथ साथ हम लिखते रहते हैं, इसे हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन एक फाइल बन जाती है, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर का नाम लिख देते हैं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर की सारी हिस्ट्री होती है। 10 साल बाद 15 साल बाद भी उस फाइल को खोलूंगा तो उसके अंदर सारी डिटेल होगी कि भाई उस वक्त हमने सॉफ्टवेयर ऐसे 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 बनाया था, पूरी सॉफ्टवेयर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, वो सारी उसके अंदर लिखी होंगी, कल वो भी काम आ सकती है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके अंदर भी एक मिनी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो मैंने आपको बताया, एरर्स और उसकी टाइप्स वाला। तो फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी आंसरिंग यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।